भैया झाझा विधानसभा से 2025 का चुनाव लड़े, हम लोग इनके साथ हैं। नमस्कार, आप देख रहे दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला विरोधी वीरेंद्र कुमार। पूर्व मंत्री स्वर्गीय नरेंद्र सिंह का सुपुत्र अमित सिंह झाझा में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की लगातार कोशिश में। इसी क्रम में आज खुदरा व्यापार महासंघ के कार्यालय में अपनी हाजिरी लगाई कर सकते हैं। जिस तरह से तमाम अधिकारियों ने खुदरा व्यापार संघ के अध्यक्ष इंद्रदेव प्रसाद केसरी, बबलू केसरी, मंत्री सोनू बड़वाल, तमाम कार्य समिति के सदस्यों ने अमित सिंह का भव्य स्वागत किया। झाझा की जनता की एकलौती मांग है कि झाझा को अनुमंडल बनाया जाए। हालांकि अमित सिंह न अभी विधान परिषद सदस्य है, न ही विधान सभा के सदस्य हैं, फिर भी झाझा की जनता उनसे मांग कर रही है, आशाएं कर रही है कि झाझा को अनुमंडल बनाने में अमित सहयोग करें। अमित ने वादा भी किया कि हम झाझा को अनुमंडल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम आज से इस मुहिम में जुटेंगे। जिस तरह झाझा की जनता से हमेशा नेताओं ने छलावा किया, झाझा में विकास के नाम पर 0/0 है। भले झाझा नगर पंचायत से नगर परिषद में तब तब्दील हो गया, लेकिन झाझा की पहचान अभी भी टूटी फूटी सड़कें ही। अब देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अमित अभी तक किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं किए हैं कि हम विधानसभा लड़ेंगे या फिर झाझा से ही प्रत्याशी। हमारे साथ संघ के अध्यक्ष बबलू केसरी जुड़े हैं। जिससे अमित आए, आपके यहाँ कैसा लगा, क्या शुभकामना दे रहे हैं? देखिए, हम तमाम चैनल के माध्यम से झाझावासी को ये बताना चाहते हैं कि बिहार खुदरा विक्रेता महासंघ झाझा एक ऐसी संस्था है जिसमें राजनीतिक का कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमारे संगठन से जो भी व्यक्ति जुड़ते हैं, जिनको भी हमारा संगठन में ऐसा लगता है कि आगे झाझा के लिए वो कुछ करेंगे, करने वाले हैं, तो हम उन्हें बाइज्जत अपने संगठन में बुला करके उसको सम्मानित करते हैं। बात अभी यह है कि झाझा की समस्याओं से संबंधित जो भी व्यक्ति हमारे संगठन से संपर्क साधेंगे, हम उनको भरपूर सहयोग करेंगे। और हमारी मांगे सबसे पहले है झाझा को अनुमंडल बनाना। तमाम झाझा के व्यापारी आज भूखमरी के कगार पर आ गया है। रेलवे शून्य हो गया है, उद्योग धंधा शून्य है। वैसे में अगर झाझा में झाझा को अनुमंडल नहीं बनाया जाता है तो झाझा में जो पलायन का स्थिति है उसका और बुरा स्थिति हो जाएगा। आज उसी कड़ी में श्री अमित कुमार सिंह जी हम लोगों के घर में आया, आपकी बातों को सुना, तो मुझे लगा कि मैं अपने परिवार के बीच में आया, किसी जनता के बीच में नहीं। और मैं इस संगठन के बारे में काफी कुछ सुन चुका हूँ, ये कभी भी राजनीति से अपने आप को अलग करके रखे हैं, और उसके बावजूद भी मेरे जैसे राजनीतिक परिवार से जुड़े होने के बावजूद भी आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, इतना प्यार दिया, ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ, और मुझसे बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को। आप लोगों का प्यार देखकर जिम्मेवारी ऐसे ही बढ़ जाती है। दूसरी बात मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ बबलू भैया को, पता नहीं होगा, अभी मैं तत्काल जो है प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं जॉब छोड़ के आया हूँ। बबलू भैया को शक था कि कहीं वापस नहीं चले जाए घूमेंगे। और स्वर्गीय राधेश्याम बंका जी के और उनके सहयोगी श्री सत्यनारायण टंडेसी, श्री शिवशंकर प्रसाद केसरी के नेतृत्व में और इनके सहयोगी भी रहे हैं, उनके नेतृत्व में सन 1979 में बिहार खुदरा विक्रेता संघ की स्थापना झाझा में हुई थी। हमें याद है वो दिन, हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन हम 1992 में संघ में पहली बार कार्य समिति के सदस्य चुने गए थे, जिसमें सबसे बड़ा अहम योगदान हम अपने संघ के गुरु श्री शिवशंकर केसरी जी को मानते हैं। उन्होंने हमें एक एक लाइन, एक एक चीज बहुत ही गौर से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, बुझाया,
और 1998 में हम पहली बार संघ के कोषाध्यक्ष बने थे। उस समय हमें याद है स्वर्गीय उमाशंकर बाबू ने अपना कोषाध्यक्ष पद को छोड़कर हमें 68 रुपया 20 पैसा दिया था कोष में। वो 68 रुपया 20 पैसा हमें लेने में 6 महीने लगे और झाझा के सभी बुजुर्ग युवा व्यापारियों के सहयोग से हमारे संघ का आज अपना जमीन, अपना बिल्डिंग और दिन प्रतिदिन खूबसूरती बढ़ती जा रही है और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। सोनू जी, जिस तरह से अमित आपके संगठन में आए, इनका लगाव झाझा से शुरू से रहा है और ये गोलमोल जवाब दे रहे हैं कि हम आएंगे विधानसभा में या नहीं आएंगे। इनका कहना है जनता बोलेगी तो मैं आऊंगा, तो क्या कुछ करें? व्यापारी एकता तो आपका जिंदाबाद है। देखिए, हम लोग चाहेंगे कि अमित भैया झाझा विधानसभा से 2025 का चुनाव लड़े, हम लोग इनके साथ हैं। और हम लोगों का जो मांग है, पहला मांग है झाझा को अनुमंडल बनाना, जो विगत लगभग 30 वर्षों से बिहार खुदरा विक्रेता संघ मांग कर रहा है, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। अमित भैया ने भरोसा दिलाया है कि मैं इस पर आज से ही काम करना चालू करूंगा। आप 6 दिन बैंड कीजिए, लेकिन 1 दिन कम से कम बिजी कीजिए, तो 1 दिन कम से कम मैंने सुना उसका बोला जाएंगे। कभी हुआ क्या था, 8 दिन के अलावा भी पूरा कुछ खुला हुआ था, उसमें हुआ क्या था कि मॉर्निंग गुड नाइट सब ज्यादा आने लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशीर्वाद बनाए रहे कि हवा और संतान है हमारे सभी लोग पूरा सेवाई से बात सुन वो लोग निकल गए। कौन आ रहा है?